नमस्कार, जोहार, अदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड के 10 लाख किसानों को 3,500 रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा कर रही है। इस 3 साल में हर क्षेत्र का फोकस किया गया है, पर अधिकतर फोकस युवा, किसान, महिला और बच्चियों के विकास पर रहा। राज्य में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना खरीफ 2022 के तहत पहले चरण में 10 लाख किसानों के बैंक खाते में 35 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं राज्य के 30 लाख किसानों को इसका लाभ देने की योजना है। जानिए कोरोना की नई लहर के लिए कितना तैयार है झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स। देश में कोरोना की नई लहर के आने की आशंका फिर से सता रही है। ऐसे में पूरे देश भर में आने वाली नई लहर के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर से आखिर किस तरह से रिम्स में कोरोना की आने वाली लहर के लिए तैयारी की जा रही है, किस स्तर पर तैयारी की जा रही है, कितने बेड की व्यवस्था की गई है, इससे पहले कोरोना की 3 लहर झेल चुका रिम्स इस बार किस तरह से नई लहर को लेकर फिक्रमंद है और यहाँ कोरोना का इलाज करवाने के लिए आ रहे मरीजों को किस तरह की सुविधा मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार की इन 8 बड़ी योजनाओं से बदलेगी झारखंड की तस्वीर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना, पुरानी पेंशन योजना और सौ माटो ऑनलाइन म्यूटेशन लागू किया गया है। जानिए क्या है झारखंड सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जिसने इस साल खूब बटोरी सुर्खियां। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का 3 साल पूरा होने को है। 29 दिसंबर 2022 को सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 1200 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे। हालांकि इस मौके पर किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इनमें से कई योजना तो ऐसी है जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, तो कई ऐसे भी जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ। आज हम ही ऐसे ही कुछ योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। झारखंड में अनुबंध पर नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक, योग्य उम्मीदवार जाने किस तारीख तक करें आवेदन। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में अनुबंध पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। यह नियुक्ति 11 माह के लिए होगी। विश्वविद्यालय में फिलहाल फॉरेंसिक साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से 10 जनवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद 16 जनवरी को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति UGC गाइडलाइन के तहत ही की जाएगी। PhD डिग्री हासिल उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी मिलेगी। झारखंड पुरुष व महिला हॉकी टीम पहुंची सेमीफाइनल में। महिला टीम ने मिजोरम को 5-1 से किया पराजित। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हॉकी झारखंड पुरुष और महिला की टीमें क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुरुष टीम ने उत्तर प्रदेश को 5-2 से तथा महिला टीम ने मिजोरम को 5-1 से पराजित किया। प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा रजनीगंधा, राजनिवास, पान पराग, दिलरुपा सहित 11 पान मसाला, लीगल एक्शन लेगी सरकार। राज्य के अलग अलग जिलों में प्रतिबंध के बावजूद पान मसाला की बिक्री हो रही है। स्थानीय जिला प्रशासन भी इसे मानता है। चतरा SDO के मुताबिक रजनीगंधा, राजनिवास, पान पराग, विमल, बहार, मुसाफिर, दिलरुबा, मधुपान मसाला, शिखर, सेहरत और पान पराग प्रीमियम जैसे 11 प्रकार के पान मसाले प्रतिबंधित हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर रखा है। इन पान मसालों का निर्माण, भंडारण और बिक्री 3 जून 2023 तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। क्रिसमस पर ईसाइयों समेत 100 से अधिक लोगों ने UP में फिर अपनाया हिंदू धर्म। उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर जिले में क्रिसमस पर BJP विधायक मीनाक्षी सिंह की मौजूदगी में 20 परिवारों के करीब 100 से अधिक लोगों ने अलग अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपनाया। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया था। BJP विधायक मीनाक्षी ने कहा, ईसाइयों समेत 20 परिवारों ने सनातन धर्म अपनाया है, हम उनका स्वागत करते हैं। देश भर के अस्पतालों में की गई कोविड-19 मॉक ड्रिल।
चीन समेत कई देशों में कोविड 19 मामले बढ़ने के बीच किसी भी हालात से निपटने को लेकर तैयारी के मद्देनजर मंगलवार को देशभर के विभिन्न अस्पतालों में कोविड 19 मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के वीडियो सामने आया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल में इस मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। बीएसएससी ने पेपर लीक के बाद 23 दिसंबर को पहले चरण में ली गई परीक्षा को किया रद्द। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने पेपर लीक के बाद 23 दिसंबर को प्रथम चरण में ली गई तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। बकौल बीएसएससी प्रथम चरण के अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों में आयोजित की जाएगी। लीक होने के बाद पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सीबीएसई का स्कूलों को अहम निर्देश। सीबीएसई ने आगामी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी स्कूलों को वार्षिक परीक्षाओं का वीडियोग्राफी करना आवश्यक है। इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। अगर कोई भी स्कूल में लापरवाही बरतता है तो इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठंड के कारण इन राज्यों में स्कूल बंद करने का आदेश। दिल्ली के सभी स्कूलों को 1 से 15 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। हरियाणा में भी 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार सरकार ने भी ठंडी के मद्देनजर स्कूलों को 26 से 31 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है। यूपी के कई जिलों में 2 दिन के बाद स्कूल बंद। इसके अलावा पंजाब में 1 जनवरी तक और मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर तक एवं छत्तीसगढ़ में 28 दिसंबर तक स्कूल बंद रहने का आदेश दिया गया है।